हेलो एवरीवन, मेरा नाम तनिष्का महाजन है। मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट एटा से हूँ। अभी रिसेंटली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा पीएचडी का रिजल्ट आया है, जिसमें मैंने सोशल सब्जेक्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो स्पेशली मैंने आज ये वीडियो मिस्टर रोहित गौतम सर एंड मिस रजी मैम को थैंक्स बोलने के लिए बनाई है। सो मैं सर को थैंक्स बोलने पहले सर के लिए कुछ कहना चाहूँगी। लाइक सर एक बेहतरीन स्टूडेंट हैं, सर एक बहुत अच्छे टीचर हैं, एंड सर लाइफ में आगे जो कुछ भी बनना चाहें वो बनने से पहले सर एक बहुत ही अच्छे इंसान है। ही इज़ द वेरी 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 नाइस ह्यूमन बींग। सो हम सबको भी लाइफ में कुछ बनने से पहले, लाइक हमारा जो भी गोल हो वो अचीव करने से पहले, सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर हम एक अच्छे इंसान होंगे तो हम जिस भी फील्ड में जाएंगे उसमें अच्छा ही करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर हमें इतना नॉलेज देने के लिए, हमारा इतना साथ देने के लिए। एंड हमने आपसे बहुत नॉलेज ली, एंड हमने आपसे इनडायरेक्टली बहुत सारे मॉरल वैल्यू सीखे। आपका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है। लाइक मैंने लाइव में देखा है बच्चे अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे अगर लाइव में 20 बच्चों ने सेम क्वेश्चन अलग अलग पूछा है तो सर ने सेम क्वेश्चन का सब बच्चों को अलग आंसर भी दिया। थैंक यू सो मच सर, मुझे आपसे यही चीज़ें सीखनी है। लाइक आपने हमारा इतना साथ दिया और ऐसे ही आगे भी हमारा साथ, आई होप आप हमारा साथ ऐसे ही देते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर अगेन एंड अगेन। एंड मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सी ऑल्सो वेरी स्वीट एंड अ लवली पर्सन। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, जैसे मैंने अभी देखा कि किसी स्टूडेंट का लाइक JRF है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर हम किसी को फॉलो करते हैं तो हमें ले भी करना चाहिए। मेरा भी JRF है, तो मैंने सबसे पहले सर से यही पूछा था कि सर, वैसे मेरा एग्ज़ाम देने का मन नहीं था, मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही थी। लाइक मैंने सोचा कि सर से क्लियर कर लेते, सर कहेंगे तो मैं दे दूँगी। तो मैंने सर से पूछा, सर मैं एग्ज़ाम दूँ या नहीं दूँ? तो सर ने बोला कि एग्ज़ाम दे दो, तुम्हारा कन्फर्म हो तो जाएगा जॉब से, पर सिक्योर हो जाएगी सीट। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, लोगों ने मुझसे मना किया भी कि मत दो एग्ज़ाम, पर मैंने एग्ज़ाम दिया। तो मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स है, 75 मार्क्स मैंने गेन किए। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर हम किसी फॉलो करते हैं तो उस पर बिलीव करना चाहिए। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसे मानना चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ उनका JRF और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आई होप उनका अदर यूनिवर्सिटी में हो जाएगा सिलेक्शन। बट मैं ऐसा कहना चाहूँगी सबसे कि सर की बातों पे विश्वास रखना चाहिए। लाइक वो कह रही हैं तो वो अच्छे के लिए कह रही होंगे आपके। एंड मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ सर के चैनल को बहुत शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो ऑल्सो आपने कर लिया होगा। एंड सर की जो वीडियो आती हैं उनको प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपके पीएचडी के लिए हो ना हो आपके, तो तब भी आप लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए वीडियो। और सर का इतना, सर इतनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी इससे। लाइक हेल्प का मतलब होता है वो तो अपनी ईमानदारी से कर ही रहे हैं काम, बट हम उनमें उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। एंड आप सभी को हैप्पी रामनवमी एंड एडवांस में हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच सर अगेन। थैंक यू।